Hey everyone, this is Geet and welcome to my channel DIY Secrets. Let's get started. हमारे पहले DIY के लिए हम लेंगे सीजर, थ्रेड, एम्प्टी बॉक्स, ओल्ड सॉक्स और एक पॉलीथीन। इस पॉलीथीन में मैंने सैंड भरा हुआ है, इसको सैंड भर के अच्छे से टाइट करना है। इस बॉक्स के अंदर सॉक्स को डालेंगे और इस सॉक्स में हम सीमेंट फिल करेंगे। तो पहले हम सीमेंट मिक्स करेंगे, अभी हमें सीमेंट इस सॉक्स में फिल करना है। इसके बाद हमने जिस पॉलीथीन में सैंड भरा हुआ था उसको अंदर डालेंगे। अभी इसको टाइट होल्ड करना है, इसमें और सीमेंट फिल करना है। अब इसमें थ्रेड लगाना है, थ्रेड को हमें इस शेप्स में रखना है। अभी इसमें थ्रेड को टाइट करेंगे, टाइटली होल्ड करके थ्रेड टाइट कीजिए जिससे कि एक्स्ट्रा सीमेंट निकल जाए। 12 आवर्स ड्राई करने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अब हमें सैंड को खाली करना है और इसके बाद हमें इसकी मार्जिन्स को सैंड पेपर से स्मूथ करना है। मैंने बेस कलर वाइट पेंट किया है, इसके बाद मैंने रेड और येलो को मिक्स करके ऑरेंज कलर बनाया हुआ है। मार्जिन्स को थोड़ा सा रफ रखा है, ग्रीन शेड दिया है। इसमें हमें नीचे भी ग्रीन कलर करना है और लास्ट में येलो और ग्रीन शेड्स के साथ हम इस पंपकिन को एक फाइनल लुक देंगे। इसके लिए हम लेंगे एक बॉक्स, इसको मैंने चारों तरफ से प्लास्टिक से रैप करके ऐसे हैंग किया हुआ है। अभी हमें टॉवल को बकेट में डिप करना है सीमेंट में और हैंग करना है, 12 आवर्स तक ड्राई करना है। ड्राई होने के बाद बेस पेंट इसमें वाइट देना है, इसके बाद हम शेड्स करेंगे। पहले मैं ग्रीन शेड कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग रेड शेड करेंगे बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव इट अ मेटेलिक रेड टिंच। तो हमें ग्रीन के ऊपर रेड मिक्स करके इसको यूज़ करना है। देखिए, दिस इज मेटेलिक रेड। अब रेड कलर के बाद हम इसमें येलो शेड देंगे, हमें इसको एक फायर लुक देना है। येलो शेड्स को थोड़ा सा यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना येलो कलर। इसके बाद हम वाइट कलर करेंगे, वाइट कलर एक थिन ब्रश से करना है और बिल्कुल कम करना है। अभी इसकी मार्जिन्स को हम रेड कलर से फिनिश करेंगे ऑल ओवर एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। सेम वास है, पहले इसमें हमने वाइट बेस कोट किया है, फिर ऑल ओवर हम येलो कलर करेंगे और रेड से शेड्स करेंगे। मार्जिन्स इसकी हमें रेड कलर से फिनिश करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे नए नए आइडियाज़ आप तक पहुंचते रहें। Then I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.